स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 6 आई है, तो पहले से अच्छे से लेबल कर लीजिए, रीड डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। क्योंकि ये मैथ्स की वर्कशीट है तो ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आई है, तो मैं दोनों में बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। इसके साथ साथ बेटा आप लोगों से एक बात ये शेयर करनी थी कि अभी तक मैं KG-8 क्लास की वर्कशीट बना रही थी, आपको जो भी चाहिए आप ले सकते थे। आज से मैंने 9th और 10th की भी वर्कशीट बनाना स्टार्ट कर दी है, लेकिन ये है कि इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर्स को एक्सप्लेन करती हूँ, पूरी वर्कशीट को एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। तो अगर आपके कोई भाई बहन या कोई ऐसा हो जिसको ज़रूरत हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए हम अपना पढ़ना शुरू करते हैं। बोर्ड गेम आज हम लोग खेलने वाले हैं। बोर्ड गेम ये देखें, यहाँ लिखा है शुरू और यहाँ लिखा है अंत। ठीक है, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ 1 से लेके 100 तक गिनती लिखी हुई है ना, 20, 30, 40 ऑनवर्ड पूरी 100 तक लिखी हुई है गिनती। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस गेम को कैसे खेलना है और क्या एक्टिविटीज़ में हमें दी गई है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है कि हमें डाइस की ज़रूरत पड़ेगी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉइन जो होते हैं, जिसे हम लोग लूडो की गोटी बोलते हैं आम जबान में, उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए पहले हम परिचय कर लेते हैं। बोर्ड गेम परिचय, बोर्ड गेम का इंट्रोडक्शन क्या दिया गया है, 1 से 100 तक की गिनती अपनी कॉपी पे या गत्ते पर या चार्ट पेपर पर लिख कर अपना बोर्ड गेम तैयार करें। ठीक है, तो अब आप अपना बोर्ड गेम कैसे तैयार करेंगे, 1 से 100 तक की आप गिनती लिखेंगे, चाहे कॉपी पे लिखें, चाहे गत्ते पे लिखें, चाहे चार्ट पेपर पे लिखें, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा आप कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इस खेल को हम अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये खेल हम कैसे किसी स्पेशल के साथ खेलेंगे, ये खेल हम घर में किसी के भी साथ खेल सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको लिखा है खेल सकते हैं किसी के भी साथ लिखा है। इसे खेलने के लिए हमें एक पासे और जितने लोग खेल रहे हैं उतने रंग की गोटियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी जितने लोग खेल रहे हैं उतनी ही गोटियों की हमें ज़रूरत पड़ेगी और एक पासा यानी कि डाइस की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं खेल के नियम क्या है। तो खेल के नियम ये है कि नंबर 1 है, कोई भी इस खेल को शुरू कर सकता है। खेल को शुरू करने के लिए हमें पासा फेंकना होगा, जो संख्या पासे पर आएगी उतने ही अंक हमें छोड़कर आगे जाना होगा। ठीक है, पहले उसी संख्या को बोलेंगे और फिर बोर्ड पर उतने ही अंक छोड़कर अपने रंग की गोटी को उस संख्या पर रख देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ आपको दिया गया है, मान लीजिए पासे पे 3 आया, तो अब आप क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि हमें जो है 3 संख्या छोड़कर आगे बढ़ना है। जैसे कि अब यहाँ पे आपके पासे पे 3 आ गया है, आपकी गोटी यहाँ पर, आप फ़ौरन 3 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये गेम खेलना है। आगे लिखा है जैसे ही आप अकर लेंगे तो लिखा है अब दूसरे व्यक्ति को भी पासा इसी तरह से फेंकना है और यही प्रक्रिया अपनानी है सबको, जो जो व्यक्ति खेल रहे हैं सबको सेम ऐसे ही करना है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये कहीं ना कहीं आपका सांप सीढ़ी जैसा गेम है ना। सांप सीढ़ी में भी हम लोग यही करते हैं कि भाई सांप ऐसे करके, उसमें बस ईजी ये है कि उसमें आपको सीढ़ी मिल जाती है ऊपर चढ़ने के लिए, ग्रेड अप के लिए, और फिर आपको सांप काट लेता है आपको नीचे लेवल पर करने के लिए, है ना। तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है और थोड़ा उसमें मतलब मज़ा आता है। ये आपका बिल्कुल सेम गेम है, प्लेन गेम है, इसमें 100 तक गिनती लानी है। और उसके बाद लिखा है कि जो व्यक्ति सबसे पहले 100 पर पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा, है ना। तो अब इसमें आपके कोई रिस्क नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सिंपल सा और सरल गेम है। क्योंकि सांप सीढ़ी अगर हम लोग खेलते हैं तो उस पर सांप के काटने का डर बना रहता है, यहाँ तो किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। जो जो आपके लक में नंबर हैं वो आपके आते रहेंगे और आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है ना, ये टोटली लक के ऊपर है। खैर, तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसमें और कुछ नहीं करना था, बस आपको ये गेम समझना था और ये गेम खेलना था। अब मैं होमवर्क आप लोगों को अपनी तरफ से दे देती हूँ कि आप लोग एक चार्ट बना लेंगे, मम्मी पापा भाई बहन जो भी आपके साथ खेलते हैं उनके नाम से, और फिर लिखेंगे कि आपने कब खेला, फर्स्ट टाइम जब खेला तो कौन विजेता हुआ, फर्स्ट कौन आया, सेकेंड कौन आया, थर्ड कौन आया, फोर्थ कौन आया, फिफ्थ कौन आया। ठीक है, तो जितने लोग हैं फर्स्ट टाइम में कौन जीता, तो आप बता देंगे कि भाई मम्मी फर्स्ट टाइम, पापा सेकंड आए, या सेकंड टाइम में पापा फर्स्ट आ गए, मम्मी सेकंड आ गई, भैया थर्ड आ गए, है ना। इस तरह से जो है ये आप टेबल बनाएंगे, देखेंगे कि कितनी बार कौन जीता। चलिए, तो आज की वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतने। अगर आपका मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।